ग्लो स्टिक, इमरजेंसी ग्लो स्टिक, आर्मी ग्लो स्टिक, एनी काइंड ऑफ ग्लो स्टिक। अनबॉक्सिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को आज दिखाते हैं ग्लो स्टिक्स जो वो क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या तरीका है इनका और इनको यूज करते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो पूरी अनबॉक्सिंग और आगे की चीज़ें दिखाते हैं आपको। ग्लो स्टिक्स, तो जनाबे आली ये है ग्लो स्टिक्स। अब होता क्या है, इनको ये जो है वो देखिए, बिल्कुल छोटे बच्चे जो चबा सकते हैं उनके बिल्कुल भी पास में मत दीजिएगा इनको, मतलब कि उनको मत दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो ये दिख रही है रबड़ की, ये इस तरह से रबर की होती है। इसके अंदर एक कांच का अलग पाइप डला होता है, उसके अंदर अलग केमिकल होता है, और ये बाहर वाली जो होती है रबर वाली, इसके अंदर अलग केमिकल होता है। तो आपको इसको बिल्कुल काटना नहीं है कभी भी, इसको छीलना नहीं है, ये केमिकल है और घातक हो सकता है आपके लिए, बी केयरफुल अबाउट इट, आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ से इस तरह से इसको कट तोड़ते हैं ना, इसके अंदर से ग्लास, तो ग्लास के अंदर जो इसके अंदर पाइप है और ग्लास वाली कांच वाली, उसका जो केमिकल है वो निकल करके इस रबर वाली के साथ मैच करता है। उसके बाद ये केमिकल ही है जो ग्लो करता है, जैसे जुगनू जगमगाते हैं उस तरीके से ये चमकता है, ये लाइट इसके अंदर पैदा हो जाती है। आप देखते हैं आर्मी वाले, आपने कई बार वीडियो वगैरह में कहीं पर भी देखा होगा, वो इस तरह की एक मोटी डंडी लिए होता है, वो उसको इस तरीके से हिलाते स्टार्ट हो जाता है। कई बार आपने उनको ऐसे तोड़ते हुए भी देखा होगा, तो तोड़ते ही वो जो है उसके अंदर लाइट जल जाती है, और आप सोचते हैं यार ये तो गजब की चीज़ है, इसके लिए हमें जो वो कभी भी किसी बैटरी की, बिजली की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है, ये केमिकल के साथ रिएक्शन करने के बाद कुछ टाइम तक ही ग्लो करती है। तो आप ये कुछ टेम्परेरी डेकोरेशंस वगैरह के लिए या बच्चों को साइंस वगैरह की चीज़ें बताने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ काफ़ी गजब की है, काफ़ी मतलब एक अलग सी चीज़ लगती है। इसके अंदर जो वो कांच की एक पट्टी डली हुई है, उसका जो वो डिज़ाइन थोड़ा सा कलर जो वो अंदर वाला अलग है, और बाहर वाला केमिकल है वो थोड़ा सा अलग है। और जैसे ही वो तोड़ते हैं हम लोग, इसके अंदर मैच हो जाता है, बहुत सारी जगह से तोड़ के इसको अच्छे से हिलाएंगे तो ये जलेगा। तो आज की ये, हाँ, परचेज़ करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ ये देखिए एक ये भी आता है, तो इसके अंदर जो देखिए छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये आप इनको साथ जोड़ जोड़ के इसको आगे लंबा कर सकते हो, इस तरीके से ये अंदर डल जाता है इसके, और लंबा बना सकते हो, गोल डिज़ाइन बना सकते हो, इसकी हाथ में चूड़ी सी बना सकते हो। बाकी बच्चों का ध्यान रखिए, चबा ना ले इसको, बिल्कुल काटे फीटे नहीं, तोड़े नहीं, और कोशिश करें आग वगैरह में भी ना फेंके। ये यूज़ करने के बाद इनको जो वो आप कबाड़ी वाले को बेच दीजिए, डिस्पोज ऑफ नहीं करने का आसान तरीका है। वीडियो अच्छी लगी, हाँ, परचेज करना चाहें लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ। अभी देखो ये किस तरह की ग्लो करती है।